जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ दो बहुत ही शानदार वाली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं जहाँ से पीएचडी में एडमिशन के लिए एडवर्टाइजमेंट निकल चुका है। तो यदि आप पीएचडी करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। हम जिन दो यूनिवर्सिटियों के बारे में बात करने वाले हैं, ये दोनों के दोनों अलग अलग स्टेट से हैं, तो ओवरऑल ये वीडियो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और दोनों यूनिवर्सिटियों से बहुत सारे सब्जेक्टों से यहाँ पर पीएचडी के एडमिशन के लिए एडवर्टाइजमेंट रिलीज हुआ है। तो अब हम इन दोनों यूनिवर्सिटियों के बारे में बिल्कुल डिटेल से समझने वाले हैं। इंपॉर्टेंट डेट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन से सब्जेक्ट से कितनी सीट अवेलेबल है और यहाँ पर एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, ये बिल्कुल हम डिटेल से समझने वाले हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी से यदि पीएचडी में एडमिशन या असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन जारी होता है तो सबसे पहले मैं अपडेट करूँगा। सबसे पहले हम इन दोनों यूनिवर्सिटियों का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, यहाँ पर तीनों कैटेगरी के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें वो कैंडिडेट भी एडमिशन पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं जिनका ना तो नेट क्वालिफाई है, जिनका ना जेआरएफ क्वालिफाई है, ना सेट क्वालिफाई, जिन्होंने केवल मास्टर डिग्री कर रखा है। ठीक है, तो जिन कैंडिडेटों ने केवल मास्टर डिग्री कर रखा है वो कैंडिडेट भी यहां पर फॉर्म भर के पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, हाँ, बशर्त ये कंडीशन है कि आपके मास्टर डिग्री में यदि आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए, और यदि आप एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके मास्टर डिग्री में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। दूसरी, यहाँ पर नेट सेट क्वालिफाई कैंडिडेट भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर जेआरएफ क्वालिफाई कैंडिडेट भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उनको बिल्कुल यूजीसी के अकॉर्डिंग फेलोशिप प्रोवाइड करवाई जाएगी जो कि लगभग फिलहाल में 41,000 रुपये के आसपास मिल रही है। तो यहाँ पर तीनों कैटेगरी के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करके एडमिशन ले सकते हैं। ये एक इसका सिंपल सा क्या था, सिलेक्शन इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। अब हम एडमिशन के प्रोसीजर के बारे में डिस्कस करें। देखो, सबसे पहले आपका यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम होगा। जैसे आप एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे उसके बाद में यहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है कि यहाँ पर आपका जो एडमिशन केवल दो फीस से होने वाला है। जो नेट और जेआरएफ क्वालिफाई कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर स्पेशली अलग से बोनस दिया जाएगा। ठीक है, तो वो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि यार हमारा जेआरएफ क्वालिफाई है, हमें भी एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ रहा है। ठीक है भाई, जेआरएफ क्वालिफाई कैंडिडेटों को थोड़ा ज़्यादा बोनस दिया जाएगा, नेट क्वालिफाई को थोड़ा कम दिया जाएगा, और जिनका नेट सेट या जेआरएफ क्वालिफाई नहीं है उनका एडमिशन तब होगा जब वो एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ही अच्छा खासा स्कोर करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, जो कि रोहतक में है और ये नेक एक्रीडेटेड है, ए प्लस ग्रेड है इसका। और अब हम इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो 28/12/2023 से स्टार्ट हो चुका था, जो कि आप 13/1/2024 तक कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने फॉर्म में करेक्शन 15 और 16 को कर सकते हैं। उसके बाद में आपका जो इंटरव्यू के लिए लिस्ट है वो 19/1 को जारी कर दी जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सीन रहने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर ये इस तरीके से यहाँ पर पूरी डेट मेंशन की हुई है जो आप चेक कर सकते हैं। यदि आपको बिल्कुल डिटेल से जानकारी लेनी है तो आप इसके नोटिफिकेशन पर विजिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम पूरी जानकारी नहीं दे पाएंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं अब आपको दिखा देता हूँ कि कौन से सब्जेक्ट से कितनी सीट अवेलेबल है, जो कि आपके लिए जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखो, बायो केमिस्ट्री से 1 सीट अवेलेबल है, बोटनी से 2 है, सेंटर ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स से 2 है, सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से 10 है, सेंटर ऑफ मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी से 2 है, केमिस्ट्री से 6 है, कॉमर्स से 46 हैं, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन से 11 है, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज से 6 हैं, इकोनॉमिक्स से 8 हैं, एजुकेशन से 7 है, इन्वायरमेंटल साइंस से 3 है, फूड टेक्नोलॉजी से 5 है, फॉरेंसिक से 3 है, जेनेटिक्स से 3 है।
इसके अलावा ज्योग्राफी से 17 सीट अवेलेबल है, हिंदी से 12 हैं, हिस्ट्री से 3 हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च से 22 हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट से 7 हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट से 5 हैं, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से 3 हैं, लॉ सब्जेक्ट से 9 हैं, मैथमेटिक्स से 17, माइक्रोबायोलॉजी से 8 हैं, फार्मेटिकुलर साइंस से 15 हैं, फिजिकल एजुकेशन से 8 हैं, फिजिक्स से 11 हैं, पॉलिटिकल साइंस से 3 है, साइकोलॉजी से 5 है, पब्लिक एड से 2 है, संस्कृत पाली एंड से 7 है। इसके अलावा स्टैटिक्स से 2 है, UIET से 2 है, TITS से 6 है। तो इस तरीके से ये बहुत सारे सब्जेक्ट है, विजुअल आर्ट से 1 है और जूलॉजी से 5 है। तो यहाँ पर टोटल 35 सब्जेक्टों से बहुत ही अच्छे खासे संख्या में PhD के लिए सीट अवेलेबल है। तो यहाँ पर हमने ये जो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। यदि आप इसका फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली गूगल पर सर्च कर सकते हो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक PhD एडमिशन स्टार्ट। तो जैसे ही आप इसको सर्च करोगे तो पहला पोर्टल खुलेगा आपके सामने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी का, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे और वहाँ पर आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी जहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके संपूर्ण जानकारी पढ़ सकते हो और आप वहाँ से डायरेक्टली फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हो। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं दूसरी यूनिवर्सिटी के बारे में जिसको हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। दूसरी यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय जो कि झांसी में है। ठीक है, यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, UGC नेट सहित UGC CSIR नेट, JRF सहित स्लेट गेट, CSIR नेट, JPD, ये सभी कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो इसके अतिरिक्त उपरोक्त अर्हता न रखने वाले प्रास्नातक उत्तीर्ण छात्रों को की प्रवेश परीक्षा भी आयोजित होगी। अब देखो यहाँ पर सीन क्या है, यहाँ पर जो एडमिशन का प्रोसेस है, देखो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो वो तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम है कि यहाँ पर विदाउट नेट, नेट, सेट और JRF क्वालिफाई तीनों कैटेगरी के कैंडिडेट यहाँ पर भी फॉर्म अप्लाई करके PhD में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर जो एडमिशन का प्रोसीजर है बिल्कुल अलग है। देखो जिन कैंडिडेट का नेट, JRF क्वालिफाई नहीं है, सेट क्वालिफाई नहीं है, जिन्होंने केवल मास्टर डिग्री कर रखा है, उन लोगों का यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसके बाद में उनका क्या होगा यहाँ पर वाइवा होगा। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर एडमिशन होगा। जिन कैंडिडेटों का नेट और JRF क्वालिफाई है उन लोगों का यहाँ पर डायरेक्टली वाइवा होगा, उन लोगों का यहाँ पर किसी भी कंडीशन में किसी भी तरीके का कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। तो जिन कैंडिडेटों का नेट JRF क्वालिफाई है उनको डायरेक्टली यहाँ पर विदाउट एंट्रेंस एग्जाम दे डायरेक्टली वाइवो देना है, इंटरव्यू देना है, और जिन कैंडिडेटों का केवल मास्टर डिग्री है, नेट JRF क्वालिफाई नहीं है, उन कैंडिडेटों को यहाँ पर पहले एंट्रेंस एग्जाम देना होगा रिसर्च मैथडोलॉजी का, और उसके बाद में यहाँ पर उनका वाइवो होगा। ठीक है, जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके बारे में कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है जो आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद में हम थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं और जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कि कौन से सब्जेक्ट से कितनी सीट अवेलेबल है। देखो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से 4 सीट है, एग्रोनॉमी से 2 है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से 2 है, प्लांट पैथोलॉजी से 2 है, एंटोमोलॉजी से 2 है, हॉर्टिकल्चर से 2 है, एग्रोफोरेस्ट्री से 2 है, सोइल साइंस से 2 है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से 2 है, फाइन आर्ट से 2 है, इकोनॉमिक्स से 10 है, इंग्लिश से 6 है, ज्योग्राफी से केवल 2 है, हिंदी लिटरेचर से 10 है, हिस्ट्री से 6 है, होम साइंस से 4 है, पॉलिटिकल साइंस से 4 है, साइकोलॉजी से 4 है, संस्कृत से 8 है, सोशियोलॉजी से 4 है, सोशल वर्क से 2 है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से 2 है, मास कम्युनिकेशन से 2 है, फिजिकल एजुकेशन से 8 है, मैनेजमेंट से 10 है, कॉमर्स से 4 है, टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट से 8 है, बोटनी से 20 है, केमिस्ट्री से 20 है, मैथमेटिक्स से 10 है, फिजिक्स से 4 है, जूलॉजी से 10 है, फार्मेसी से 20 है, बायोटेक्नोलॉजी से 4 है, कंप्यूटर साइंस से 10 है, इन्वायरमेंटल साइंस से 8 है, फूड टेक्नोलॉजी से 6 है, और फॉरेंसिक साइंस से 2 है, माइक्रोबायोलॉजी से 6 है, बायोमेडिकल से 1 है, जूलॉजी से 8 है, बायोकेमिस्ट्री से 4 है, एजुकेशन से 10 है, लॉ से 4 है। तो इस तरीके से टोटली कुल मिलाकर 44 सब्जेक्ट है जिनसे यहाँ पर PhD में एडमिशन कर सकते हो। तो ये दोनों यूनिवर्सिटी थी जिनका हमने जो नोटिफिकेशन था वो बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया और इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण बातें थी। एक बार ये जो झांसी वाली यूनिवर्सिटी है उसकी इंपॉर्टेंट डेटों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आप फॉर्म है जो 11 ठीक है, तो ये जो दोनों यूनिवर्सिटी इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट डेट है वो हमने अच्छे तरीके से सब कुछ कवर कर लिया है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ एक बार जरूर शेयर करें।